वेलकम पेरेंट्स। दोस्तों हम कितनी बार बात करते हैं कि बच्चे में कहीं विटामिन की डेफिशिएंसी तो नहीं है, कहीं उसमें आयरन की डेफिशिएंसी तो नहीं है। मेरे कितने ही वीडियोज इस चीज़ से रिलेटेड हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी बात जो हम भूल जाते हैं कि कहीं बच्चे में पानी की कमी तो नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़्यादातर केसेज में बच्चे और बड़े, हम लोग जितना हमें पानी पीना चाहिए प्रतिदिन, उससे हम कम ही पानी पीते हैं। और हमारी जो बॉडी है इसका लगभग 60% भाग जो है वो पानी से बना हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि पानी की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है, और यदि ये इम्पोर्टेंस बच्चों में देखें तो और भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उनके वहाँ पर उनकी बॉडी में 60% से भी ज़्यादा जो भाग है वो पानी का है। मैं इस वीडियो के अंदर आपको 3 या 4 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जिसको कि शायद आप लोग जानते नहीं होंगे, और उसमें वाटर की इम्पोर्टेंस कैसी है जब बच्चे को खांसी जुकाम हो रहा है या जब बच्चा बीमार हो रखा है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पानी का एक छोटा सा जो रोल है हमारी बॉडी में कहाँ पर है। ये हमारी बॉडी को कूल रखता है, हमारी जो अंदर जो हीट डेवलप हो रही है उसको बाहर निकाल रहा है, उसको स्किन तक लेकर के जा रहा है। उसके अलावा जो हमारे जॉइंट्स हैं उनको लुब्रिकेट करके रख रहा है, स्किन को सॉफ्ट हो रखी है, ब्रेन की एक्टिविटी के लिए ज़रूरत है, आंतों की जो चाल है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। कुल मिलाकर के यदि बॉडी के अंदर पानी की कमी है, जिसे हम स्टेज कहते हैं कि ये डिहाइड्रेशन की स्टेज तो नहीं है, ऐसी स्थिति में हमारी पूरी की पूरी बॉडी अफेक्ट होती है, कंप्लीट बॉडी के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। अब मैं आपके साथ में थोड़ा सा एक बताता हूँ कि सपोज कीजिए कि बच्चे को खांसी जुकाम हो रखा है। देखिए ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब बच्चे को खांसी या जुकाम है तो हमारा जो रेस्पिरेटरी पैसेज है, नाक से लेकर के लंग्स तक का जो पैसेज है, इसके ऊपर जो लाइनिंग है, जैसे हम म्यूकस मेम्ब्रेन कह रहे हैं, ये इसमें थोड़ी सूजन आ जाती है, इसमें एक इन्फ्लेमेशन हो जाता है। और हमारी बॉडी क्या करती है कि उसमें वाटर को सीक्रेट करके उसको हीलिंग के अंदर उसके अंदर मददगार रहती है, उसे मोइस्ट रखती है। ऐसी स्थिति में आप सपोज कीजिए कि यदि खांसी जुकाम है बच्चे को और वाटर इनटेक प्रॉपर नहीं है, तो होगा क्या कि ये जो हीलिंग होनी चाहिए, म्यूकस मेम्ब्रेन की जो हीलिंग होनी चाहिए, ये प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को जुकाम है, खांसी है, आप ऐसी स्थिति में उसे पानी का इनटेक बढ़ा के रखिए। यहाँ पर हमारे से म्यूकस सिक्रेट होता है, बलगम निकलता है, और वो बलगम को हमारे जो सीलिया हैं, जो हेयर सेल्स हैं, वो बाहर की तरफ फेंकते रहते हैं। यदि ये बलगम या ये म्यूकस जो है पतला है, थिन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इजीली ये निकल जाएगा। लेकिन पानी की कमी है तो ऐसी स्थिति में ये गाढ़ा हो जाएगा। अब ये गाढ़ा होकर के हो सकता है इसका जो ये म्यूकस प्लग है वो नाक में रहे, आपने देखा होगा कई बार थिक सिक्रेशंस हो जाते हैं, या हमारी जो साइनसेज हैं उनके अंदर इकट्ठा हो जाए, या दूसरा जो रेस्पिरेटरी पैसेजेज है वहाँ पर ही इकट्ठा हो जाएगा। और जब एक जगह पर ये म्यूकस प्लग बन गया है, इकट्ठा हो गया है, तो यहाँ पर अभी एक तरह का मीडियम बन गया बैक्टीरियाज के लिए, ये इन्फेक्टेड हो जाएगा। और ये जैसे आपने बीमारी सुनी कि साइनोसाइटिस नज़ला जिसे हम कह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमारे पास जो भी वो टाइम पीरियड है खांसी जुकाम का, तो हमारा उद्देश्य ये रहना चाहिए कि बच्चे के अंदर पानी का इंटेक हम बढ़ा के रखें, जिससे ये म्यूकस जो है ये गाढ़ा नहीं हो पाए। छोटी सी चीज़ करनी है, सिंपल पानी का इंटेक बढ़ा के रखिएगा और बच्चा बहुत आसानी से इस बीमारी से बाहर निकल के आ जाएगा। इसीलिए मेरी ओपिनियन के अंदर मैं पानी को बेस्ट कफ सिरप मानता हूँ। दिस इज़ द बेस्ट कफ सिरप, बहुत ईजीली अवेलेबल है, रेडीली अवेलेबल है और बहुत सस्ती है। तो प्लीज़ पानी की इंपॉर्टेंस को समझिए, स्पेशली जब बच्चा बीमार हो रखा है, बच्चे को खांसी जुकाम हो रखा है, आप उसके वाटर के इंटेक को बढ़ा दीजिए आप उस समय। दूसरा, ड्रिंक टू गो। देखिए हमारी जो कॉलन है, आंते जो हैं, ये हमारा फ्लूड का रेगुलेटर है, ये पूरा फ्लूड का ध्यान रखती हैं। यदि ऐसी स्थिति में हमने पानी अच्छे से नहीं पिया है या बच्चे को पानी नहीं पिलाया, तो ये क्या करेंगे कि जो हमारा स्टूल है उस स्टूल में से पानी को सोख लेंगी। अब उसमें से पानी को सोख लिया तो वो स्टूल जो है वो गाढ़ा हो गया, और ये गाढ़ा स्टूल जो है ये कॉन्स्टिपेशन का, कब्ज का बड़ा कारण है। आपने यदि मेरे रेगुलरली आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो मैंने बता रखा है कि फाइबर्स का रोल कितना बड़ा है। आप बच्चे की डाइट में फाइबर्स दीजिए, आंतों की चाल अच्छी रहेगी। एक मज़ेदार फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, आपने फाइबर्स तो ऐड कर दिए डाइट में, आप फाइबर्स तो दे रहे हैं, लेकिन यदि फाइबर्स के साथ साथ में आपने एक्स्ट्रा वाटर उसमें नहीं दिया है डाइट में, तो यही फाइबर कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करेंगे। इट इज़ अमेजिंग, आपने फाइबर्स बढ़ाए लेकिन वाटर इंटेक नहीं बढ़ाया साथ में, तो यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे।
तो अगर आप फाइबर दे रहे हैं तो साथ में आप पानी की मात्रा को बढ़ाइए, कॉन्स्टिपेशन के अंदर बहुत मददगार होगा, आंतों की चाल जो है उसके अंदर बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद आता है ड्रिंक टू थिंक। ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि जैसे ही पानी की कमी होगी सबसे पहले प्रभाव हमारे डिहाइड्रेशन में हमारे थिंकिंग पर आएगा, हमारी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर आएगा। इसलिए दिमाग का अच्छा ख्याल रखना चाहते हैं, आपका ब्रेन हेल्दी रहे, आपके बच्चे का ब्रेन हेल्दी रहे, तो प्लीज़ पानी की जो मात्रा है उसे बिल्कुल बराबर बना करके रखिए। बच्चे को मोटिवेट कीजिए कि थोड़ी देर में वो पानी लेता रहे। इसलिए जो ड्रिंक टू हेल्प यू थिंक, बिल्कुल सही बात है, ये दिमाग के फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी आता है कि बच्चे को पानी कितना पिलाएं। शुरुआत के अंदर 6 महीने के अंदर, 6 से 12 महीने के अंदर, उसके बाद जो टॉडलर्स हैं 1 से 3 साल के, तो देखिए दोस्तों इससे रिलेटेड मैंने एक कंप्लीट वीडियो पहले बनाया हुआ है, आप मेरे आई बटन को क्लिक कीजिए और वहां जाकर के आप इस वीडियो को देख सकते हैं जहां मैंने उनकी मात्रा बता रखी है कि किस एज ग्रुप के ऊपर हमारे को कितना पानी पीना है। वैसे मैं आपको बता दूं कि पानी कैसे कोई क्लियर कट, क्योंकि ये तो एज पे डिपेंड कर रहा है, सेक्स पे डिपेंड कर रहा है, फिजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है, एनवायरनमेंट पे डिपेंड कर रहा है, कितना हॉट एनवायरनमेंट है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये हमारी खुद की एक रीजनिंग रहेगी, खुद की एक समझ रहेगी। लेकिन हाँ, बच्चा यदि बीमार हो रहा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया बुखार है, बुखार के टाइम पर पानी का लॉस हो जाता है, आप देखते हैं स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, तो ऐसे बुखार हो रहा है, बच्चे को खांसी जुकाम हो रहा है, आपका बच्चा कॉन्स्टिपेटेड है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप उसका वाटर इनटेक बढ़ा के रखिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यदि बीमार है तो डॉक्टर को जरूर दिखाना है, आपके पास में जो भी पीडियाट्रिशियन है उनकी सलाह लीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम डॉक्टर के पास नहीं जाए। तो दोस्तों ये वाटर की इम्पॉर्टेंस थी, मैंने आपको कफ सिरप का एक इसमें एक रोल बताया है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, और आप अपने बच्चे को कितना पानी पिलाते हैं, आपका बच्चा पानी पीता है कि नहीं पीता, अगर नहीं पीता है तो आप कैसे उसे मोटिवेट करते हैं, प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप ये सब कैसे करते हैं।